एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक हो गए। हम भी हमेशा की तरह अपने घर में बिल्कुल ठीक है। तो आज हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं झंडे वाला मंदिर, क्योंकि मम्मी का बहुत दिनों से मन कर रहा था। हाँ, और मम्मी घर में बैठे बैठे बोर भी हो रही थी, तो मम्मी ने कहा हम चलते हैं मंदिर। काफी दिन हो गए थे गए हुए हमें भी, तो हमने सोचा चलते हैं। तो हम हो चुके रेडी, देख ही सकते हो आप, है ना। और आज हम बहुत जल्दी उठे हैं। हाँ, आज मम्मी ने बहुत जल्दी उठा दिया 9 बजे, लेकिन फिर भी लेट हो गया। फिर भी लेट हो गए हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, जा रहे हैं बहुत जल्दी। और देखो मम्मी हमारा वेट कर रही है कि ये लोग जल्दी से रेडी हो और निकले। मम्मी हम गुस्सा कर रही है, गाइस मम्मी हम पे गुस्सा कर रही है। आपको मम्मी पे, ये देखो, ये रही हमारी मम्मी जो कि आज पहनी है साड़ी और कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। चलो जल्दी, लेट हो रहा है। देखा देखा, मम्मी को बहुत जरूरी है जाना, जल्दी जल्दी जाना। अभी पीछे से हम पे गुस्सा कर रही थी। तो गाइस ये आ गई हमारी मेट्रो, लेकिन हम इसमें नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सीट फुल हो चुकी है, ये मतलब जो स्टेशन है ना, ये लास्ट स्टेशन है यहाँ पे। तेरे को पता, फोन उड़ रहा है मेरे हाथ से। मैं कुछ बोल रही थी यार। अच्छा, यहाँ का लास्ट स्टेशन है, यहाँ पे जो मेट्रो आती है खाली आती है, मतलब जाती है पूरी घूम के जाती है। तो हमें सीट पे अब 2-3 मिनट लेट हो गए, हमें सीट नहीं मिली यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए हैं झंडे वालन मंदिर। और ये रही दीपू, ये रही मम्मी। मम्मी तो पीछे देख भी नहीं रही है। एक्साइटेड है, एक्साइटेड में ऐसा भाभी वाला गाना। सो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर, वो तो हमने आपको पहले भी दिखाया था। हम लगे हुए लाइन में, बहुत ज्यादा भीड़ है, लंबी लाइन है। उधर तो दिख भी नहीं रही है, इतनी लंबी लाइन है, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार को ही आते हैं सारे, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे प्रसाद लाने के लिए बिल्कुल मना करती है, लोगों को वापस भेजती है। यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है ना, लाइन लगी है पूरी लाइन में। और यहाँ मम्मी खड़ी है, यहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि चल। और हम वेट कर रहे हैं कि हम कब जाए अंदर। देखा नहीं हुए कि नहीं हुए, पूछ रही है। और तेरा टीका फैल गया फिर से? नहीं, उस टाइम फैला था, मैंने साफ कर दिया। नीचे आंटी ने कुछ ज्यादा गीला लगा दिया था। बोलो एक बार, क्या बोलने के लिए कह रही है मैं? पीछे ही रहे, पीछे हैं। जय श्री राम। मम्मी बोलना, जय श्री राम। और कहाँ आए हो तो तू भी बोल दे। बोल तो दिया, झंडे वाली माँ नहीं बोला तूने? जय झंडे वाली माँ। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर उस वाले मंदिर में, जिससे सीटी फुटेज। छोटा प्रसाद, इन दोनों को मिला है ये बड़ा प्रसाद, क्योंकि तू दूसरी लाइन में लगी थी। क्योंकि मैं दूसरी लाइन में लगी थी। अब मेरा प्रसाद भी खोल ला। मैंने खोलने में क्या है? इसमें है हलवा, चना, हलवा चना प्रसाद। नहीं, टेस्टी है, अच्छा लगता है। हम
सबका खाना खत्म हो गया, मतलब सबका प्रसाद खत्म हो गया, बट इस लड़की का नहीं हुआ अभी तक। हो गया? मैंने क्या बात, और ये रहा, ये मेरे लिए बचाया हुआ है, ये मैं खाऊंगी। मम्मी का भी हो गया, इसका भी हो गया, और मेरा ये बाकी है। कहा था ना तेरे को जूते मत पहन। कहा तो ना पहन, अब बैठ के पहन रही है। पहन के दिखाई हिम्मत है तो हम लोग ने चप्पल पहन ली, मम्मी ने जूती पहन ली, और तू हमारा प्रसाद वगैरह खत्म हो गया और हमने दर्शन भी कर लिए और आपको भी करा दिए दर्शन। तो और अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि हमारे सारे काम इधर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम मिलते हैं आपको सीधा घर पे। बाय बाय, जाओ मैं यहीं रह रही हूँ। बाय माता रानी की जय। बाहर पता कितने क्या बोल रहे हो, घर तक ही अच्छी लगती है, देखिए देखिए ना। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से जाएंगे हम घर। बोलना नहीं चाहेगी, क्या बोलूं, ये बोलने नहीं दे रहे बाल, इसको बोलना नहीं दे रहे इसको, इसीलिए हम कहते हैं कि बाल बांध लो, लेकिन कभी नहीं बांधती है बाल। फैशन बहुत जरूरी है। सो गाइस बस अभी घर आके बैठे ही हैं और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब जैसे बाहर जाते हैं ना तो मेरे को तो बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लग जाता है, धूप लग जाती है और गर्मी लगती है, इसलिए तो मैंने आके फटाफट से कपड़े चेंज करे और आके चाय वाय सब पी ली मैंने। अब बस थोड़ा सा किचन में काम है, वो सारा काम खत्म करके फिर करेंगे डिनर की तैयारी। तो बस अभी रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले घर पे। अभी आज क्या बन रहा है फिर? आज बन रहा है, आज बन रही है बेसन की सब्जी। फीमेल है बेसन की सब्जी? मेल भी तो नहीं है, बन रहा है, बन रही है, देख कौन सा मेल बैठ रहा है। चल कोई भी मेल बैठे, हमें तो खाने से मतलब है। क्या क्या डाला इसमें? मैंने डाला बेसन में नमक, हल्दी, नहीं हल्दी नहीं डाला मैंने, मसाले, मिर्ची, मसाले, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ताकि इसमें लम्स ना बने। बन गए? नहीं ठीक हो जाएंगे, अभी मिक्स होगा ना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्या कह रही? क्या 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 काम? मैं बोलू चावल डाल दो, खाना बनाओ आराम से जल्दी। देख रही है दीदी, देख रही है, देख रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मम्मी मेरे से कितना काम करवाती है फ्रेंड्स। अभी तक इसका सर दर्द ठीक था लेकिन अभी इसके दर्द हो रहा है क्योंकि खाना बनाना है। ओ अभी अचानक से मेरे दर्द हुआ है, ठीक है, क्योंकि मम्मी के देख के दर्द, मम्मी को देख के दर्द होता है सर में। नहीं जी, हाँ जी नहीं है, कोई बात नहीं, सब मुझे बोल रहे तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम कर ही देती हूँ, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया और ये मिक्स हो चुका है ना, मिक्स हो गया। जब तू काम करे तो तेरे को पता नहीं मिक्स हुआ नहीं, तो मैं बनाती नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है, तू बता ना हुआ या नहीं। हो गया, तभी तो मैंने रख दिया उसको। किसको रख दिया? उसको, बैटर को। उसको मिक्स रख हो चुका दिया। है वो। और यहाँ पे तेल भी गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे इसको। इसको हम बनाएंगे क्या? चिल्ला। चिल्ला टाइप। कितना अच्छा गोल बन गया एकदम, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी जैसा गोल बना है। और इधर बन रहा है क्या? चावल। ओ गरम है, सॉरी सॉरी गरम है भाई, भड़क रहा है तो गरम होके। कग्गू भैया कैसे हो, सुबह से क्या कर रहे थे? कैसे देखता है, जब मैं किचन में खड़ी होती तो आके यहाँ से देखता है मेरे को। ये ना पीछे से बिल्कुल पक चुका है। जब ये ऊपर ऐसा दिखने लगे ना, कैसा ऐसा ऐसा, हाँ तो इसको हम ऐसे ऐसे करके, अरे यार ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, जिससे कि थोड़ा अंदर से कच्चा रहे ना तो चिपक भी जाएगा। ये तो डोसा जैसा बन गया। डोसा नहीं है ये, वो तो मुझे भी पता है डोसा नहीं है ये। ये बन गया,
अब हम इसका दूसरा भी बनाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं सब्जी में तड़का लगाने, ये काम उसका था दीदी का, लेकिन कर मैं नहीं हूँ। तो उस तड़के के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, जीरा और लाल मिर्च, और ये क्या बोलते हैं इसको, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो इसको एक साथ डालना है। हाँ, तो इन सबको हम डाल देंगे एक साथ। और गैस हमने बंद कर दिया था क्योंकि काफी ज्यादा तेल गर्म हो गया था। अब ये हो चुका है, मतलब ये पक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो इसमें प्याज डाल दिया, और प्याज के बाद इसमें हमें डालने मसाले। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, है ना? हाँ, वैसे डाल भी सकते हैं लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि क्यों? मुझे ज्यादा पसंद नहीं है सब्जी में टमाटर, मतलब जरूरी नहीं है सब्जी में टमाटर, है ना? हाँ, ठीक है। इसके आगे का प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। अभी टमाटर जब तक प्याज पक रहे हैं। हाँ, तो अब हमारे प्याज पक चुके हैं। अब इसमें जाने वाले कुछ मसाले जो कि हैं ये, बताओ धनिया पाउडर, क्या ये लाल मिर्च, हल्दी, और ये सब्जी का मसाला, और ये गरम मसाला, और ये है नमक। नमक तो ये सारा जाने वाला है इसमें। इसमें जाएगा, और इसके बाद जाएगा पानी, गरम पानी जो कि मैंने इधर गरम करके रखा है, थोड़ा सा गरम पानी। गरम पानी इसलिए क्योंकि गरम पानी से मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं, और ठंडे पानी से कुकिंग रुक जाती है ना, सब कुछ ठंडा हो जाता है इसलिए, और गरम पानी से ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक इधर मसाला पक रहा है तब तक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि बेसन के जो चीजें बनाए थे ना, उसको कट कर ले, और कट करके इसको हम सब्जी में डालेंगे, ग्रेवी में। तो हमें इस तरीके से इसे कट करने के पीसेस में। हाँ, पहले जब मम्मी ये सब्जी बनाया करती थी और हम छोटे होते थे ना, तो मम्मी एक अलग से हमारे लिए बनाती थी, अलग से खाने के लिए, रूखे रूखे। हाँ, रूखे रूखे खाने के लिए। और ये सब्जी लेकिन मेरे को नहीं पसंद, मैं ये सब्जी नहीं खाती हूँ। ये सब्जी मम्मी को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, और दीदी को बहुत पसंद है। हाँ, और मैंने तो कभी, मतलब मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, बट थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो ये रहे हमारे पीसेस बन के कट गए, मतलब पीसेस बना दी दीदी ने इसके, और ये बहुत अच्छे से ऐसे दिख रहे हैं। और इधर मसाला भी पक गया है, बस ग्रेवी के लिए डालना है पानी। अब ग्रेवी के लिए पानी डालते हैं, गरम पानी। पानी गरम, सॉरी मेरे को तो बहुत ज्यादा वो आ रहा है, छींक मेरे को भी आ रहा है मसाला। इसमें हमें डालना है ग्रेवी के लिए पानी। इसकी ग्रेवी अभी पतली होती है, और थोड़ी देर बाद हम इसको डाल देंगे ना, तो ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हमने मसाले और पानी, मतलब ग्रेवी बनाने के लिए रख दिया है, और ये जब तक उबल रहा है, जब ये उबल जाएगा ना तभी इस पीसेस को हमें इसमें डालना है। तो तब तक ये उबल रहा है, जब तक हम चलते हैं बाहर। तो अब मैं ना पौधों में ये चावल का पहला पानी, मतलब जब हम चावल धोते हैं ना, तो जो उसका पहला पानी निकलता है ना धोने के बाद, तो उस पानी को हमें पौधों में डालना होता है, फल फ्रूट वाले पौधे में और वेजिटेबल्स वाले पौधों में। इससे ना हमारे पौधे खराब नहीं होते, और अच्छे से फल फ्रूट आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं। तो मैं वही इसमें डाल रही हूँ, मेरे को ये भाभी ने बताया था, तब से हम ये डालने लगे हैं। और जो चाय पत्ती होती है ना, ये इतना ही था तो मैंने इतना एक ही में डाल पाई हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे सब में डाल दूंगी। तो चाय पत्ती होती है ना, उसको सुखा के उसमें हल्दी मिला के उसको भी डालना होता है पौधों में। पानी तो खत्म हो गया। चाय पत्ती हल्दी क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे कीड़े नहीं लगते, शायद यही बोला था भाभी ने तो मुझे। हाँ, और चाय पत्ती से खाद बनती है। हल्दी, लेकिन चाय पत्ती को ना धोकर उसको सुखा कर उसमें हल्दी मिक्स करके डालना है। ये मेरे पैरों में जब से है। कौन है ये? सुबह से क्या कर रही थी? मैं तो घर पे नहीं थी। तू क्या कर रहा था सुबह से? कुछ चुंचू चुंचू इसने मिस किया तुझे? अभी बता नहीं सकता, लेकिन करा तो हो गई। मैंने पीछे का गेट खोला तो भाग कर आया था मेरे पास। तो मतलब मिस किया इसने तुझे? किया तो होगा। सो गाइस, मैं आपको इस पौधे की स्टोरी बताऊं। इस पौधे की स्टोरी इस वाले पौधे की है, ये मुझे बस अभी अभी पता चला, मेरे को दीदी ने बताया स्टोरी, भाभी को भी नहीं पता। मैं उनको जरूर बताऊंगी जब वो घर पे आएंगी, या व्लॉग देखेंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा। तो आ जाएंगे व्लॉग से पहले, सुबह ही आ जाएंगे, अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पहले स्टोरी। ये जो भाभी की जब नई नई शादी हुई थी ना, जब भाभी की नई नई शादी हुई थी, तो वो वाली रस्म होती है ना अंगूठी ढूंढने वाली, तो उसमें काफी सारे फूल वगैरह डालते हैं और दूध डालते हैं। तो वो जो दूध और फूल बचा था वो वाला, मतलब शंकु दीदी ने इसमें डाल दिया था, और ये देखो पौधा निकला। और ये कितना सुंदर, मतलब इतना अच्छा पौधा निकल गया है, क्योंकि वो शुभ काम का था ना। हाँ, शुभ चीज का था, इसलिए ऐसा निकल गया। और यहाँ पर एक और निकला, ये
नहीं ये किसी नहीं है, ये है बट गेंदे के फूल का है ये। ये किस चीज का है फिर मुझे नहीं पता, ऐसे निकलते रहते घास वास तो। बट ये बहुत प्यारा फूल निकला, मतलब पौधा निकला है। मेरे को ना पता भी नहीं था, और ये नहीं पता था। और ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है मुझे, इधर से देखो, इधर से कितना अच्छा लग रहा है ना प्रीति। ये तो ये है भाभी का शुभ, नहीं शुभ हाथों का पौधा हाँ। कह सकते हैं नहीं, उनके हाथ लगे थे ना उसमें, उन्होंने हाँ। ढूंढी थी तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो वो दूध वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया था और ये पौधा उग गया इससे। ऐसे तो कई जगह निकलेंगे क्योंकि पानी ज्यादा था हाँ, तो मैंने ना सारे पौधों में डाल दिया था बट इसमें जल्दी निकल गया। ये ग्रेवी तो बन के बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी मैं इसमें ना ये बेसन के पीसेस नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि अभी डालूंगी ना तो ये सारी ग्रेवी सोख लेगा। खाने से 10 मिनट पहले डाल सकते हैं। पहले डाल देंगे हाँ। दिखा दो तो कैसी लग रही है, पास से ऐसी लग रही है, ऐसी प्यार से नहीं सॉरी पास से। और ये बहुत टेस्टी होगी मुझे पता है। और इसमें 10 मिनट पहले आप इसको खाने से पहले डाल सकते हो, और जब हम डालेंगे तब भी हम आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है ये, और खा के भी बताऊंगी मैं टेस्ट। मसालों का वो लग रहा है मुझे, छींक आ रही है, छींक और खांसी दोनों। सो गाइस हमारा डिनर आ गया, और ये सब्जी ऐसी कुछ दिख रही है, मतलब बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ऐसी प्यारी सी सब्जी। चल अब तू बता खा के कि कैसे। वैसे तो मैं ये सब्जी खाती नहीं हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बट मैं ये खाना मेरा नहीं, खाना भी दीदी का ही है, तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। मैंने बस इसको इसलिए बुलाया था कि तू टेस्ट कर ले, क्योंकि जिसने बनाया अगर वही टेस्ट करे तो फिर लोग बोलेंगे कि तुमने तो बनाया, तो तुम तो बोलोगी ना अच्छा बना है। तो मैं खा के बताती हूँ। अच्छी है, मैं तो खाती नहीं तो मुझे ज्यादा अच्छी तो नहीं लगती, बट अच्छी है। और ये बेसन कितना सॉफ्ट हो गया देखो, इसको बेसन कोई कह नहीं सकता। क्यों? अगर किसी को ना पता हो तो। अच्छी है, सॉफ्ट है काफी। थैंक यू। बस अभी डिनर करके आए थे और सोने के लिए आए, क्योंकि आज आ रही है नींद काफी ज्यादा, सुबह जल्दी उठने की वजह से अभी नींद आ रही है। तो बस अब सोते हैं और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।